हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ये आपको बीटेक 7 में पढ़ाया जाता है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने अभी अभी यूट्यूब पर सर्च किया इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ पर कोई भी इसके नोट्स या एक्सप्लेनेशन हिंदी में प्रोवाइड नहीं है। तो इसी बात को देखते हुए मैंने यहाँ पर हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि मेरे हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और एक बात और फ्रेंड्स, जितने भी सब्जेक्ट में टॉपिक है वो मैं सारे के सारे यहाँ पे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस डिस्कस करूँगा। और आप प्लीज़ प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपको नोट्स भी साथ के साथ प्रोवाइड करता जाऊँगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है। देखिए, हमारे पास कोई भी इमेज होती है तो हम उस इमेज के साथ कुछ भी परफॉर्म या कुछ भी ऑपरेशन करते हैं। तो हमारे पास क्या है इनपुट में, इमेज है। अब हम उस इमेज के साथ क्या करते हैं, कुछ भी परफॉर्म करते हैं, यानी कि उसको इन्हेंस करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन्हेंस का मतलब जैसे कि आपका फ़ोन है, ठीक है, आपके फ़ोन में कोई भी इमेज है, वो आपकी ही इमेज है, तो आप उसके अंदर जो भी फिल्टर यूज़ करते हैं, आपके फ़ोन में बहुत सारे फिल्टर होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस इमेज के साथ परफॉर्म कर रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्हेंस, यानी कि उसको अच्छा बनाने के लिए उसको परफॉर्म करा रहे हैं आप। तो हम किसी भी इमेज के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, यही हमारा इमेज प्रोसेसिंग होता है। अब हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। इमेज प्रोसेसिंग इज ए मेथड, ये एक हमारा एक ऐसा मेथड होता है टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन एन इमेज। हम किसी इमेज के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट एन इन्हेंस इमेज। किसी भी इमेज को इन्हेंस करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं या उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, और टू एट्रैक्ट सम यूज़फुल इंफॉर्मेशन या किसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारा इमेज होती है तो हम उस इमेज की हेल्प से कोई भी इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहेंगे कि हमको उसके बारे में पता चल जाए। इट इज़ ए टाइप ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग इन विच इनपुट इज एन इमेज एंड आउटपुट मे बी इमेज और फीचर्स एसोसिएटेड विद दैट इमेज। देखिए, हमारे पास कोई भी इमेज होती है इनपुट में और हम जब उस पर परफॉर्म करते हैं तो हम, जैसे हमारे पास कोई भी इमेज है, अगर हम उसकी कॉपी कराना चाहें फ़ोटो कॉपी, तो वो फ़ोटो कॉपी आ जाएगी। तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, एक तो इमेज भी हो सकते हैं क्योंकि हमने बस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही उसको फोटोकॉपी या जीरोक्स कॉपी कराई उसकी, और हम उसमें अदर फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं तो हमको रिजल्ट में वो भी मिल सकता है, यानी कि हम इस पर फिल्टर भी लगा सकते हैं या और कुछ अदर परफॉर्म भी उस पर करा सकते हैं। तो यही होता है हमारा इमेज प्रोसेसिंग। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा ऐसे भी समझा सकता हूँ, प्लीज़ आप देखिए, हमारे पास इनपुट में यहाँ पर क्या रहेगी, इमेज, ठीक है, और यहाँ पे क्या होएगा, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग होएगी, प्रोसेसिंग, ठीक है, जैसे भी आप कराना चाहोगे अपने अकॉर्डिंग, और हमको ये यहाँ पे रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये ऐसे होता है। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, नंबर वन एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग, नंबर सेकंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अब देखिए, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, यूज्ड फॉर हार्ड कॉपी लाइक प्रिंट आउट एंड फोटोग्राफ। देखिए, आपके पास कोई भी फोटोग्राफ है या आप किसी का भी प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ कहाँ पे होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, लाइक जैसे वीडियो है, वीडियो किस किस चीज़ से बनती है, जो हमारे पास इमेज होती है यानी कि जो पिक्चर होती है, नंबर ऑफ इमेज और प्लस उसमें क्या होती है, वॉइस भी होती है, तो हमारी वीडियो बन जाती है। यानी कि हम इस पर क्या करते हैं, मल्टीपल टास्क ऑपरेशन करते हैं, हम इसका यूज़ वहीं पे करते हैं और उसी को हम बोलते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। इसकी हेल्प से ही एक तरीके से हम वीडियो को बना सकते हैं।
लेकिन एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उसमें वॉइस ऐड नहीं कर सकते, हम उसमें सिर्फ फोटोकॉपी करा सकते हैं एक तरीके से। तो ये बहुत सिंपल वे है, इसमें हम बस एक प्रिंट आउट और फोटोग्राफ्स की कॉपी करा सकते हैं। हार्ड कॉपी के लिए ये यूज़ किया जाता है और ये किसी भी एक बोल सकते हैं हम हाई लेवल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे, और कमेंट में भी आप बताइए, जिससे कि आपका फीडबैक हमको मिलता रहे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।